नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप टीपी लिंक राउटर को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर से जो है वो दोस्तों कैसे सेटअप कर सकते हैं, और उसका अकाउंट जो है वो दोस्तों बना करके आप जो है दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आप रीसेट कर देते हैं अपने टीपी लिंक राउटर को या फिर नया खरीदते हैं, तो दोस्तों उस समय दिक्कत होती है कि हमें जो है वो सेटअप करना एकदम से जो है वो हम नहीं सीख पाते, और सेटिंग्स को जो करने में हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से सारे कनेक्शंस जो हैं वो दोस्तों आपके राउटर के जो है वो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं या फिर वैन केबल के थ्रू, तो दोस्तों अगर आप लैन केबल का प्रयोग करके जो अगर जैसा कर रहे हैं, तो दोस्तों लैन केबल अटैच करके अपने सिस्टम से दोस्तों आपको एक आईपी एक्सेस करना होगा। हम दोस्तों अभी जो है वो वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं, तो दोस्तों हम वाईफाई पे चले जाते हैं, और यहाँ पर जो दोस्तों हमारे पास टीपी लिंक का राउटर है, यहाँ पर दोस्तों हम वाईफाई से जो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल आपके सामने दोस्तों जैसा दिखा रहे हैं, कनेक्ट जो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो अपने वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट होना है। उसके बाद दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वो इंटरनेट एक्सेस जो है वो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इंटरनेट एक्सेस ना हो तो सिस्टम यही है कि दोस्तों आपको जो है उसका अकाउंट सेटअप करना होगा। अकाउंट सेटअप के लिए सबसे बड़ी और ख़ास बात दोस्तों ये है कि आपके पास आपके अकाउंट की डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए। आपका जो ISP है दोस्तों, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास से आपके पास जो है वो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो अभी दोस्तों हम लोग जो है वो एक्सेस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है वो हमारे ब्राउज़र में चले जाएंगे इंटरनेट एक्सेस करने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों हमें टाइप करना है 192.168.0.1। दोस्तों मोस्ट ऑफ ऑल टीपी लिंक में जो है वो दोस्तों 1.1 होता है, 1.1। तो दोस्तों हम लोग 1.1 पे जो है वो विजिट कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आप जो है वो 192.168.0.1 से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कई राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो दोस्तों वैसा होता है। तो एंटर दबा देते हैं दोस्तों। अभी जब दोस्तों हम लोग एक्सेस कर रहे हैं हमारे राउटर को, दोस्तों हमारे अगर इस आईपी से आप एक्सेस ना कर पाएँ, तो दोस्तों आप नया आईपी यूज़ कीजिए, 192.168.0.1। तो आप दोस्तों 01.1 से जो है वो दोस्तों ओपन हो चुका है। बिल्कुल आपके सामने जैसा दिखाया जा रहा है दोस्तों, आपका जो है वो एक्सेस हो सकता है किसी भी विधि से। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर लॉगिन के समय पासवर्ड की। तो पहला ऑप्शन होता है दोस्तों एडमिन का, तो एडमिन डाल दीजिए उसमें। यहाँ पर दोस्तों कई बार जो है वो पासवर्ड नहीं होता है, तो दोस्तों कई बार जो है वो पासवर्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने दिखाया जा रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो नहीं है ये। तो दोस्तों अगर पासवर्ड एडमिन डालने के बाद आप ट्राई कीजिए पासवर्ड को ब्लैंक रख करके लॉगिन कीजिए। अगर उससे ना हो तो आप टाइप कीजिए एडमिन, दोनों में एडमिन एडमिन होगा दोस्तों, और आप लॉगिन जो है वो कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ऊपर यूज़र नेम में एडमिन और नीचे जो पासवर्ड है दोस्तों वहाँ पर पासवर्ड ही होता है। तो दोस्तों ऐसे में आप तीनों तरह की विधि जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक्सेस कर पाएँ, तो अभी वीडियो के नीचे लाइक बटन दिया आप उसको भी दबा दीजिए। तो दोस्तों एडमिन एडमिन डाला हम लोग जो है दोस्तों लॉगिन करके अंदर जो है वो आ चुके हैं। इस समय दोस्तों हमें जो है वो एक्सेस करना होगा हमारे इंटरनेट सेटअप के लिए। तो हम दोस्तों चले जाते हैं क्विक सेटअप पे। क्विक सेटअप पे जाने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो काफ़ी तरह के ऑप्शंस होंगे। दोस्तों हम जो है वो क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है वो हमारे वाईफाई राउटर के बारे में जानकारी होगी। हमारे वाईफाई राउटर का नाम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, रेडियो इनेबल जो है दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिया होगा। आप जो है वो क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। आपका वाईफाई का पासवर्ड जो है दोस्तों ये होगा। अगर आपको आपके वाईफाई का पासवर्ड पता ना चले और आपको नहीं पता है, और आपको अपने सिस्टम में पहली बार कनेक्ट करने में दिक्कत हो, तो ध्यान रखिए दोस्तों आपको टीपी लिंक के राउटर के नीचे की तरफ एक जो है वो पट्टी मिलने वाली है, एक जो है वो स्लिप मिलेगी, वहाँ पर जो है वो आपको उसका पासवर्ड जो है वो नीचे बिल्कुल लिखा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पे। उसके बाद दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए फिनिश पे। सॉरी दोस्तों, माफ़ी कीजिएगा, अभी जो है वो हम लोग जो है वो क्विक सेटअप नहीं कर पाए हैं। दोबारा से जाते हैं दोस्तों क्विक सेटअप, नेक्स्ट पे। उसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट पे। हमारे सामने जो है दोस्तों डिटेल अभी भी नहीं पूछी जा रही है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है वो पहले से कनेक्टेड हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग जो है वो नेटवर्क में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क में जाने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है आपके यूज़र नेम आदि की जानकारी। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो दोस्तों अपनी आईपी या फिर जो भी चीज़ें हैं दोस्तों वो आप चूज़ कर लीजिए। मोस्ट ऑफ ऑल TPPOE जो है वो दोस्तों होता है, वो आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो आपका
यूज़र नेम जो आपको आईएसपी की तरफ से मिलता है, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आपके जो है वो आईपी एड्रेस की जगह पे या फिर आपके यूज़र नेम पासवर्ड की जगह पे दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो डायनेमिक आईपी या फिर स्टैटिक आईपी भी दोस्तों हो सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो दोस्तों आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे आईपी वगैरह होंगे और सेव जो है वो करना होगा। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ ऑल पीपीओई होता है दोस्तों, हम पीपीओई चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम, यहाँ पर हमारे पासवर्ड, और इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग जो है वो क्लिक कर देते हैं सेव बटन पे। जैसे ही दोस्तों हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दोस्तों प्रोसेसिंग होगी और हमारा जो है वो इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपके सामने कनेक्टेड दिखा दिया गया दोस्तों। और हम जो है वो यहाँ से अब जो है वो गूगल को ओपन करेंगे तो गूगल जो है बिल्कुल आपके सामने हम जो है वो दोस्तों इंटरनेट से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज़ करेंगे तो दोस्तों क्विक सेटअप में भी जो दोस्तों आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी जो दोस्तों आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डाल करके इस कार्य को जो है वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है वो आप डीलिंक राउटर को जो है वो सेटअप कर पाए होंगे बिल्कुल आसान विधि से। दोस्तों आप जो है लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए, किसी भी जरिए जो है दोस्तों आप इस आईपी को ओपन कर सकते हैं और आप इंटरनेट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। उससे हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों हम जो है वो मनोबल बढ़ता है और इस तरह की जानकारियाँ लेने के लिए उत्तेजित होते हैं कि ताकि दोस्तों आप तक जो है इस तरह की खास जानकारियाँ हम इसी तरह पहुँचाते रहें। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है दोस्तों, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर उसको दबाएंगे तभी आप तक जो है वो इस तरह की खास जानकारियाँ आती रहेगी। और सब्सक्राइब बटन के सामने एक आपको बेल आइकन यानी घंटी जैसा दिया है दोस्तों, आप उसको भी दबा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो हमारी खास जानकारियाँ बिल्कुल इसी तरह आपके पास पहुँचती रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप वो कार्य कर पाए होंगे जो करने के लिए यहाँ पर विजिट हुए थे। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।